में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा, जहां पर बीजेपी के द्वारा मात्र शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंत्री स्वाति सिंह इस वक्त मंच पर पहुंच चुकी हैं। नाश्ता और पानी वितरित होगा, ये समझिए कि ये नाश्ता पानी की व्यवस्था ये केवल हमारी भावना है, ये हमारी पूजा की भावना है, ये हमारी श्रद्धा की भावना है जो आप लोगों तक पहुंच रही है। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, जितना भी सेवा कर ले। अगर किसी भी सम्मेलन का आयोजन इस वक्त बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा में इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर करीब 15,000 महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। मंच पर इस वक्त भाजपा नेता स्वाति सिंह मौजूद है, सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक भी है स्वाति सिंह, जो इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद है। आपको तस्वीरें इस वक्त हम पूरे कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। मंच पर इस वक्त स्वाति सिंह मौजूद है, उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है, महिला सशक्तिकरण की ओर ये पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में इस पूरा कार्यक्रम जो है ये सरोजनी नगर विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। खुद स्वाति सिंह जो सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री हैं, उन्होंने इसका पूरा बीड़ा उठाया है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि स्वाति सिंह सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, जहां पर वो लगातार क्षेत्र की जनता के विकास के लिए कार्य करती आ रही हैं। पिछले 5 सालों से लगातार वहां मौजूद जो जनता है उनके लिए कार्य करती दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी में महिलाओं को भी सशक्त बनाने और महिलाओं को भी स्वावलंबी बनाने की दिशा में वो कार्य करती आ रही हैं, और इसी कड़ी में आज मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं का हुजूम भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको सम्मेलन से सीधे हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंची हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की सराहना करती हुई इस वक्त वहां की महिलाएं जो है वो दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर महिलाओं से बातचीत की गई और भारतीय जनता पार्टी और खास करके सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक स्वाति सिंह के कार्यों को लेकर भी महिलाओं से बात की गई, तो वहां की महिलाओं ने स्वाति सिंह के जो कार्य हैं उनकी सराहना की है। लगातार यही प्रतिक्रिया सामने आई है कि जो स्वाति सिंह है उन्होंने सरोजनी नगर विधानसभा में बेहद ही विकास किया है, विकास की दिशा में सरोजनी नगर वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक तरफ महिलाओं की आबादी भी अब कह सकते हैं कि आधी आबादी हो चुकी है, महिलाएं जो है वो बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अब महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे सरोजनी नगर विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम से दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मेलन में इस वक्त बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस पूरे कार्यक्रम में सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक स्वाति सिंह जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची हुई हैं, उनके साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, और यहां पर 15,000 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिन्होंने जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं और स्वावलंबी है महिलाएं, उनको बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा। 15,000 महिलाएं इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित की जानी है। एक बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम रही हो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे जो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने कार्यक्रम चलाए हैं, इन सभी दिशा में मिशन शक्ति जो चलाया गया
इन सभी जो भी प्रयास किए गए उनका जो फल है अब वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं अब सशक्त होते दिखाई दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह की चाहे महिलाएं हों, सभी महिलाएं कहीं ना कहीं अब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे कार्य करती दिखाई दे रही हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आज महिलाओं को सम्मानित करने के लिए ये मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्याओं में यहाँ पर महिलाएं जो है वो मौजूद बताई जा रही हैं। महिला शक्ति कार्यक्रम में लगभग 15,000 महिलाएं हैं जिनको इस पूरे कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना है। सभी महिलाएं इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी हैं। खुद मंत्री स्वाति सिंह भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और बहुत ही जल्द इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। तैयारियों का जायजा इस वक्त हम आपको लेते दिखा रहे हैं, किस प्रकार से तैयारियां वहां पर की गई हैं। बड़े स्तर पर एक पंडाल बनाया गया है जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। वहीं मंच पर इस वक्त मंत्री स्वाति सिंह मौजूद दिखाई दे रही हैं जिनके साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मंच की तस्वीरें जहाँ मंत्री स्वाति सिंह मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में तमाम अधिकारी जो हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। अलग अलग सेक्टर्स के जो हेड हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे जहां पर 15,000 महिलाओं को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। वे तमाम महिलाएं जो इस वक्त अब बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, स्वावलंबी हैं, अपने अपने बिजनेस कर रही हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं, इन सभी महिलाओं को आज सम्मानित किया जाएगा। उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके सम्मान के लिए आज ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध, सच दिखाने का रखते हैं तब, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी एमएक्स प्लेयर पर और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर